पिंपल बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं, बट उससे भी ज्यादा परेशान करते हैं उनके दाग धब्बे जो पीछे रह जाते हैं, और कई बार वो अपने पीछे गड्ढे भी छोड़ जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए अगर आप कोई घरेलू नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं दीपा आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक DIY क्रीम जिसको आप डे नाइट किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं, और एक्ने स्कार्स को भी ये रिमूव कर सकती है, जो डिस्कलरेशन है उसको भी कम करेगी, उसको भी ठीक करेगी, और एक्ने स्कार्स में भी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। रिजल्ट देखने के लिए आपको कम से कम 3 हफ्ते तक इसको लगातार इस्तेमाल करना है, और पूरा रिजल्ट मिलने के लिए आपको इसको लंबे समय तक यूज करना होगा, जो कि डिपेंड करता है कि आपका स्कार जो है वो कितना पुराना है, वो कौन से ग्रेड का है, कौन सा टाइप का स्कार आपको है, इन सब चीजों पे जो फाइनल रिजल्ट का जो टाइम है वो डिपेंड करता है। बट यस, 3 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट जो है वो दिखना स्टार्ट जरूर होंगे। अगर आपको लगता है कि ये टाइम बहुत ज्यादा है तो सॉरी टू से, ऐसी कोई चीज दुनिया में नहीं है जो कि झटपट एक्ने स्कार्स को रिमूव कर सके। अगर आप कोई डर्मेट के पास जाते हैं तो वो आपको अगर कोई मेडिकेटेड क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं या कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट भी बताते हैं, जो कि कई बार बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी देखने के लिए आपको कम से कम 3 से 6 महीने उन क्रीम्स को इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो कि एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आप ट्राई कर सके, नेचुरल हो, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं हो, और सिर्फ आपकी स्किन को वो बेहतर ही करे, उसमें ये क्रीम अगर आप ट्राई करते हैं तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, होगा सिर्फ इम्प्रूवमेंट। सो वीडियो को एंड तक देखिए, सिर्फ देखने से बात तो नहीं बनेगी, आपको रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको इस क्रीम को बना के उसको इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आपको इसके मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। उनको शेयर जरूर करिएगा मेरे साथ मेरे कॉमेंट सेक्शन में। इस क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 इंग्रेडिएंट्स। जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको ऑनलाइन परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो उन सब की ऑनलाइन लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप चाहे तो उनको इस्तेमाल करके ऑनलाइन इन चीजों को खरीद सकते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा जेल 1 चम्मच। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच। मैं यूज कर रही हूँ वाव का एलोवेरा जेल, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एलोवेरा जेल है। इसके बाद आपको इसमें डालना है 1 विटामिन ई की कैप्सूल। विटामिन ई की कैप्सूल को इस्तेमाल करने के लिए आप उसको ऊपर से प्रिक करेंगे ऐसे, आप चाहें तो नीडल से प्रिक कर सकते हैं या फिर दांत से भी सीधे सीधे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर के ऑयल को आप इसमें मिक्स कर देंगे। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 800 IU का विटामिन ई कैप्सूल, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, और इसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल भी है, तो एडेड बेनिफिट्स ही आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी का विटामिन ई कैप्सूल है। अगर आप विटामिन ई को अपनी स्किन केयर में यूज करते हैं तो डेफिनेटली इसको ट्राई करिएगा। इसके बाद इसमें आपको डालना है रोज हिप ऑयल। रोज हिप का ऑयल आपको चाहिए, जो मैं यहाँ पे इनातूर का यूज कर रही हूँ। ये आपको लेना है आधा छोटा चम्मच। ओके, तो ये आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ रोज हिप ऑयल, और ये भी आपको इस चीज में मिक्स कर देना है। इसके बाद आपको इसमें डालने हैं एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल्स मैं यहाँ पे 2 बता रही हूँ आपको, एक फ्रैंकिनसेंस और दूसरा है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। अगर आपको अभी भी एक्टिव एक्ने और पिंपल है, अभी भी आपके चेहरे पे एक्ने पिंपल होते हैं, तो आपको इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डालना है अगर आपको एक्टिव एक्ने और पिंपल होता है तो। अगर आपको पहले एक्ने पिंपल होता था, अभी नहीं होता है, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, और आपको बाकी 2 जरूर यूज करने हैं, वो है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल और फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। दोनों की 2 से 3 बूंदे आपको डालनी है, 3 बूंदे आप डाल सकते हैं। अगर आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी डाल रहे हैं तो तीनों चीजों को 2-2 बूंद ही डालिएगा। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इसकी मैं डाल रही हूं लगभग 3 बूंद। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूं फ्रैंकिनसेंस एसेंशियल ऑयल। अब अगर मैंने आपको बताया टी ट्री एसेंशियल ऑयल मैं इस वक्त नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो डाल सकते हैं अगर आपके अभी एक्टिव एक्ने पिंपल है। वैसे स्कार्स पे भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। अगर आपको एक्टिव एक्ने पिंपल नहीं भी है और आपके पास टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, तो मैं रिकमेंड करूंगी आप तीनों चीजों को डाल दीजिए 2-2 बूंद, तो अच्छा ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब इस क्रीम को बनाने के लिए आपको सिंपली सभी चीजों को मिक्स करना है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि थोड़ा सा लंपी सा लगेगा, बट जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, क्रीम की कंसिस्टेंसी में। और उसके बाद आपको इसको स्टोर कर लेना है एक कंटेनर में। मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर रही हूँ इस कंटेनर में। इसको आप स्टोर कर लीजिए और फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वक्त, डे टाइम में या नाइट टाइम में, जब भी आपको टाइम हो। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि डे टाइम में भी अगर आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, बट नाइट टाइम में जरूर जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि नाइट टाइम में जब आप कोई चीज को इस्तेमाल करते हैं
तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि नाइट टाइम में आपकी स्किन जो है वो किसी तरीके के पोल्यूशन वगैरह को एक्सपोज नहीं होती है, आपकी स्किन अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, तो उस वक्त आप जो भी चीजें लगाते हैं वो बेहतर एब्जॉर्ब होता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। सो ये देखिए मैंने क्रीम को ट्रांसफर कर लिया है, तो फटाफट से क्रीम बनके तैयार हो जाती है। अगर आपके पास सारा सामान है तो इसको बनाने में आपको 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला है। इसको मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। ये क्रीम मैंने यहाँ पे ली और बिल्कुल ऐसा कुछ ऑयली फील नहीं आपको होने वाला है, इमीडिएटली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा ये और रिजल्ट्स आपको जरूर जरूर मिलेंगे अगर आप इसको कंसिस्टेंटली यूज करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। इस क्रीम को बनाने के लिए हमने यूज किया है एलोवेरा जेल का, जो कि हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, साथ में ही वो आपकी स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है और जो स्कार का टिश्यू साइज है उसको कम करने में भी हेल्प करता है। इसके बाद हमने इसमें यूज किया है रोज हिप ऑयल का, जो कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है, स्कार्स को फेड कर सकता है और फोटो एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। तो एंटी एजिंग क्रीम भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये सेम रेसिपी जो है वो एंटी एजिंग क्रीम की तरह भी काम करेगी, आप उस केस में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। रोज हिप ऑयल में विटामिन ए और लिनोलिक एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसके वजह से ये एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में इफेक्टिवली काम करता है और क्लिनिकली प्रूव्ड है कि सर्जिकल स्कार्स पे अगर जब इसको कंटिन्यूसली अप्लाई किया गया तो वहां की स्किन में इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है ये एक्ने स्कार्स को रिमूव करने के लिए या फिर किसी भी तरीके के जो स्कार्स हैं, जो डिसकलरेशन है उसको कम करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है रोज हिप ऑयल। इसके बाद हमने यूज किया है फ्रैंकिंसेंस ऑयल का, जो कि न्यू स्किन की जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है और उसमें जो बोजवेलिक एसिड होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसी के साथ ये आपकी स्किन को सूद भी करता है और पोर्स को टाइटन करता है। फिर हमने इसमें यूज किया है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का, जो कि सेल और टिश्यू ग्रोथ को अगेन वो भी प्रमोट करता है, एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज उसमें होती हैं और ये सभी आपके स्कार्स को रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी डर्मा रोलिंग के ऊपर, अगर आप एक्ने स्कार्स को ठीक करना चाहते हैं तो डर्मा रोलर्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इस काम को करते हैं। पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी है तो देखिए। सो यस, देखा आपने कैसे मिनटों में हमारी एंटी स्कार रिमूवल क्रीम जो है वो रेडी है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। इसको ट्राई जरूर करिएगा। ये वीडियो आपने यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकती है, और ऐसे और भी जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये जो क्रीम मैंने आज आपके साथ शेयर की है, अगर आपके स्कार्स जो है वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के हैं और कुछ टाइप के स्कार्स जैसे लीनियर स्कार्स पे ये क्रीम काम नहीं करेगी, मतलब उस केस में आपको इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है, तो ट्राई जरूर करिए। आपको जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, करेगा तो कुछ बेहतर ही करेगा, कुछ खराब तो करने वाला नहीं है। तो चाहे जिस भी टाइप के आपके स्कार हो, कितने भी पुराने हो, ट्राई करिए, आप रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर जरूर करिए मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं जल्द आपसे मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।